हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राशि की रेसिपी। हर एक पूजा में भोग के लिए चढ़ता है वो है पंचामृत। तो आज हम हमारे इस राशि की रेसिपी चैनल में दो तरह का पंचामृत की रेसिपी देखने वाले हैं। एक तो जो नॉर्थ इंडिया में बनती है और एक जो साउथ इंडिया में बनती है। यहाँ मैंने ले लिया है 1/3 कप गाढ़ा दही, जो कि मैंने घर में ही जमाया था, और ये फ्रेश दही है क्योंकि मैंने रात को ही इसको जमा लिया था। ये है कच्चा दूध। अब पंचामृत कभी भी बनाए उसमें कच्चा दूध ही यूज होता है, तो ये ले लिया है मैंने 1/4 कप। अब हम इसमें डाल देंगे शहद 1 चम्मच, 1 चम्मच के करीब चीनी। आप इसमें चीनी की मात्रा आपके हिसाब से कर सकते हैं कम ज्यादा। जैसे आपको ज्यादा मीठा पसंद हो तो आप इसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं, और कम हो तो आप कम ही डाल सकते हैं। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने ले लिया यहाँ कुछ मखाने और कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स। मैं इसमें ये भी डाल देती हूँ। मखानों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि मखाने अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे जो कि लड्डू गोपाल कृष्ण जी का सबसे पसंदी की तुलसी जी, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है। और लड्डू गोपाल जी को भी ये बहुत पसंद है। तो चलिए अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं। वैसे तो यहाँ सब लोग बोलते हैं कि पंचामृत में पंच मेवे डालने चाहिए, पर उसका मतलब वो नहीं होता है। पंचामृत का मतलब उसमें दूध, दही, चीनी, शक्कर, घी और गंगा जल का यूज होता है। तो देखिए, हमारे जो मखाने उन्होंने भी दूध को और दही को अच्छे से सोख कर लिया है। हमारा पंचामृत जो है वो बन के रेडी है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ हमारा पंचामृत जो है वो बन के रेडी है। हमने इसको पंचामृत के छोटे से बर्तन में सर्व कर लिया है। चलिए अब हम फिर नेक्स्ट साउथ इंडिया में कैसे पंचामृत बनाते हैं उसकी भी रेसिपी देख लेते हैं। दूध और दही को मिला के उसमें चीनी और शक्कर, जो उससे एक मिठास आती है, उसी को पूर्ण करता है घी का एक अच्छा सा टेस्ट। इन सभी को मिला के बनता है एक पंचामृत। तो चलिए हम अब पंचामृत की रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले 1/4 कप दूध ले लिया है, 1/3 कप दही ले लिया है, 1 चम्मच चीनी, तुलसी के कुछ पत्ते, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच घी। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बाउल, उसमें हम डाल देंगे दूध। इसी में मैंने डाल दिया है दही। ये जो था मेरा घर का बना हुआ दही है। दही को आपको खट्टा बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप दही को खट्टा लेंगे तो पंचामृत बहुत जल्दी से खट्टा हो जाएगा। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच शहद। इसी में हम डाल देंगे चीनी। चीनी और शहद आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना पसंद है। इसी में मैं डाल दूंगी 1 चम्मच घी। ये मेरा घर का बना हुआ शुद्ध घी है। अब हम ये तुलसी के पत्ते भी इसमें डाल देंगे, जो कि बहुत हेल्दी है। हमारे लड्डू गोपाल जी को या कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, हमारा जो पंचामृत है ये बन के रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा पंचामृत जो है ये बन के रेडी है। मैंने इसको घी के साथ और कुछ तुलसी के पत्ते के साथ सर्व कर लिया है। तो आप भी इसे बनाइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।